दिवाली को चार ही दिन शेष है और इस हमारी श्रृंखला जो 2020 श्रृंखला है उसके भी चार ही लैंप बचे हैं बनाने। तो आज का जो हम लैंप बनाएंगे वो बनाएंगे रोम्बी कोसी डोडे का हेड्रन। तो चलिए इसको पहले बना लेते हैं, फिर इसके पीछे की गणित की चर्चा हम करेंगे। उसकी साइड्स को आधा कट करने पे भी बना है और इसको हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे एनिमेशन में भी आप देख सकते हैं कि जैसे हमने देखा था कि आइकोसाहेड्रन की अगर हम सारे ट्रायंगुलर फेसेस को एक्सपैंड कर दें तो हमें जो इतना एक्सपैंड करें कि उसकी साइड्स पे हमें स्क्वायर मिल जाए, तो हमें ऐसे इसमें 20 ट्रायंगुलर फेसेस मिलेंगे। और इसको डोडेकाहेड्रन से भी देख सकते हैं क्योंकि डोडेकाहेड्रन में हमने देखा था कि 12 पेंटागन फेसेस हैं, तो 12 पेंटागन फेसेस को अगर एक्सपैंड इतना करो कि उसकी साइड्स पे हमें स्क्वायर मिल जाए, 12 इसमें पेंटागन फेसेस हैं और 20 इसमें ट्रायंगुलर फेसेस हैं। हमने देखा था कि आइकोसा और डोडेकाहेड्रन में दोनों में साइड्स थी 30 साइड्स, तो इसमें हमें जो स्क्वायर मिलेंगे वो 30 मिलेंगे, यानी इसमें टोटल 62 फेसेस हैं। तो 20 ट्रायंगुलर फेसेस को हमने खोल के सबको अलग अलग कर दिया, तो 20 ट्रायंगुलर फेसेस के अलग अलग वर्टिसेस हमें मिल गए, तो 20 × 3 = 60, तो इसमें 60 वर्टिसेस मिलेंगे। आइकोसा और डोडेका में हमने देखा था कि 30 साइड्स थी, तो यहाँ पे हमें हर साइड पे हमें स्क्वायर मिल गया, तो 30 × 4 इसकी टोटल 120 साइड्स होंगी। तो आखिरी के तीन लैंप हम अगले 3 दिनों में बनाएंगे और तब तक के लिए अपने घर को सजाते रहिए इन सुंदर लैंप से।